हेलो एवरीवन। तो मैं स्कूल से वीडियो नहीं बनाती, तो सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। और स्कूल से अभी वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आज हो रही है हमारे स्कूल में गणेश चतुर्थी का डेकोरेशन, तो सारे बच्चे को हमने छुट्टी दे दिया है और डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वो मैं आपको वीडियो में कल दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे पूजा किया। और आज शाम को मेरे घर में होगा गणपति का आगमन, तो शोभित और अवनीश जाएंगे गणपति लाने के लिए। और देखिए आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, बहुत ही गर्मी हो रही है, तो मैं बस थोड़े से जहाँ पे मुझे थोड़ा ठंडा लगे मैं वहाँ आके वीडियो बना रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो आज मैं शाम को आपको दिखाऊंगी कि शोभित और अवनीश हमारे गन्नू को कैसे घर में लेके आएंगे। और कल हम पूजा करेंगे, तो सुबह सुबह ही पूजा है एकदम 6 बजे, क्योंकि 9 बजे से मेरे स्कूल का पूजा है। तो 6 बजे पूजा करके मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मेरे घर का, और यहाँ पूजा करके मैं जाऊंगी अपने घर, और घर में अवनीश किस तरह से पूजा करेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जहाँ पे हम पूजा करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे घर में हम पूजा करेंगे वहाँ पे हम अवनीश को पूजा करने नहीं देंगे। हमने एक अवनीश के लिए एक्स्ट्रा छोटा सा डेकोरेशन किया है जहाँ पे अवनीश खुद पूजा कर सके, क्योंकि उसको लगता है कि वो सबसे अच्छा पुजारी है, तो वो चाहता है कि वो अपने हाथ से पूजा करे। तो मैं गन्नू की पूजा शोभित के हाथ से ही कराऊंगी, और अवनीश जो है वो करेगा, घर में एक शोपीस है छोटा सा गन्नू का, तो उनकी पूजा के लिए हमने माँ ने और मैंने मिलके एक डेकोरेशन किया है, वहाँ पे मैं अवनीश के हाथ से पूजा कराऊंगी। तो मिलते हैं आज शाम को। तो फाइनली गई शाम हो गई थी, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने गन्नू का, और देखिए अवनीश और शोभित दोनों ही हमारे गन्नू को लेके आ गए। फाइनली हमारी इंतजार हुई खत्म, और मैंने अपने गन्नू के लिए छोटा सा डेकोरेशन किया था जहाँ पे मैंने अपने सारे घर के वास फ्लावर्स को सजा करके छोटे छोटे लीचू लाइट लगा के अपने गन्नू को बिठाने का इंतजाम किया था। और जैसे ही गन्नू हमारे घर में आए, अवनीश और शोभित डेकोरेशन देख के पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, फिर वो उन्होंने गन्नू को बिठाया और हम सब कर रहे थे गन्नू का मुख देखने के लिए वेट। तो जैसे ही सुबह हुए देखे पुजारी जी भी घर पे आ गए थे, और शोभित खोल रहे हैं गन्नू का चेहरा, उनका चेहरे में जो कागज लगा है उसको खोल रहे हैं, फाइनली हम गन्नू को देख सकेंगे अभी। और मैंने गाइस बाल गणेश मंगाया था, क्योंकि मेरे घर में भी अवनीश है जिसको छोटू सा है वो, तो उसके लिए हमने भी सोचा कि हमारे गन्नू भी अवनीश की तरह छोटू सा ही हम गन्नू लाएंगे। और ये देखिए मेरे गणपति का चेहरा, तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। हमने क्या इमीडिएटली गन्नू का पूजा घर में कराया, हवन, हवन करते ही हम गए स्कूल, और स्कूल में देखिए गाइस सारे मेरे कलीग मेरे बच्चे हम सब मिलके कर रहे हैं पूजा, और पूजा में बहुत ही मजा आया गाइज। मैंने भी बहुत ही सुंदर सा एक सिल्क का साड़ी पहना था, और सब लोगों ने मेरी तारीफ की। मैंने पूजा खत्म होते ही अपना एक फोटोशूट कराया था, मैं उसको लास्ट में एक फोटोशूट का वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ जैसे ही पूजा खत्म हुई हम लोगों ने सब ने मिलकर की गन्नू की आलती। आलती गाते समय ना थोड़ा सा गुस्सा आया था, क्योंकि जो पुजारी जी थे उनको आलती गाना नहीं आ रहा था, वो जय गणेश देवा की जगह में जय शिव शंकर भोले भंडारी का आरती गाना शुरू कर दिए थे। तो मैं उनको अभी चिड़के थोड़ा देखूंगी भी, आप देखिएगा वीडियो में है मेरा लुक मैं कितने गुस्से से उनको देख रही थी। और वो आए इतने लेट में थे, और जाने के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे कि मुझे जल्दी जाना है, दूसरा पूजा करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम सब ने मिलकर उनको कहा कि नहीं, आप जब आए हैं तो हमारी पूजा आप अच्छे से करिए, और लास्ट में हम सब ने मिलकर उनकी आरती करनी चाहिए। हम सब ने उनका किया आरती, और आरती करते ही देखे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम लोग अभी देने जा रहे हैं आरती। आरती देने के बाद हम सब जाएंगे बाहर नारियल फोड़ने के लिए, और जैसे ही नारियल फूट जाएगा हम सबको प्रसाद दे देंगे। प्रसाद देने के बाद में हम जाएंगे अपने घर। तो गाइज मुझे पूजा खत्म करते ही जाना है अपने घर, और घर जाते ही वहां पे आप देखेगा गन्नू का पूजा कैसे करता है अवनीश, क्योंकि अवनीश का पूजा अभी बाकी है। शोभित पूजा कर चुके थे, और शोभित सुबह ही हम लोग पूजा खत्म करके आ गए यहाँ पे, और फाइनल गाइस देखिए हम सबकी पूजा हो गई फिनिश्ड। अब देखिए मेरा फोटोशूट खत्म हुआ, मेरा फोटोशूट में भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई घर पे, क्योंकि अवनीश ने माँ को परेशान करके रखा हुआ था, वो गन्नू का पूजा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, कह रहा था डैडी पूजा कर चुके हैं पर मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। तो माँ ने क्या किया था, गन्नू के मुख में लगा दिया था एक कागज जिससे उनका फेस ढक जाए, और बाद में जब अवनीश ने पूजा किया तो उसका फेस को उन्होंने रिवील किया। और उसके बाद में जैसे उसके डैडी को पुजारी पूजा करा रहे थे एग्जैक्टली उसे वैसे ही पूजा करना था, तो माँ यहाँ बनी थी पुजारी और
और माँ को देखे। माँ को मैंने कहा कि आप माँ दीप और लड्डू भोग जो भी है जैसे भी पूजा करना है आप सब कुछ कर दीजिए उसके साथ मिल करके। और अवनीश देखे सब अपने हाथों से सब कुछ करना चाह रहा था पर माँ उसका थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही थी। आफ्टर ऑल गन्नू थे तो रियल ही ना गाइज, तो उनको पान का पत्ता दूब फूल सब कुछ दे करके उनकी हमने पूजा बहुत ही अच्छे से की। अवनीश को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वो ना गाइज पहले से ही थोड़ा भगवान लोग के प्रति ज्यादा ही डेडिकेट है। अभी अभी जब रथ यात्रा हुआ था तब उस टाइम में भी वो जगन्नाथ के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी होके था क्योंकि हमेशा वो जगन्नाथ की न्यूज सुन रहा था, जगन्नाथ के भजन देख रहा था, जगन्नाथ जी के पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था। तो उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ अगर भगवान जी का पूजा पाठ चलते रहे तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत डेडिकेट है भगवान के प्रति। तो मुझे भी लगता है कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है भगवान में, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है गाइस कि ज़्यादा अगर डेडिकेशन उसका रहेगा तो वो कहीं पुजारी ही ना बन जाए यार तो मैं नहीं चाहती वो पुजारी बने। हाँ पूजा करना अच्छी बात है पर ज़्यादा पूजा ना करे। और देखिए माँ यहाँ गन्नू की पूरा विधि विधान से पूजा कर रही है। माँ ने कहा कि भले ही उसके लिए वो एक छोटा सा मतलब हमारे लिए मजाक है लेकिन उसके लिए वो असली में पूजा है। तो अवनीश यहाँ कर रहा है मेरी गन्नू की पूजा। और हमारे छोटू से गणेश को देखिए, आप मुझे जरूर बताइए आपको कैसे लगे क्योंकि गन्नू को इस गन्नू को इन गन्नू को अवनीश बहुत ज्यादा प्यार करता है गाइस, बहुत उसे प्यार है, पसंद है होगी। आइए देखते हैं कैसे पूजा करेगा वो। देखिए कैसे माँ जिद कर रहा है वो पूजा करने के लिए, तो माँ मना कर रही है उसे। तो गाइस फाइनली अवनीश की पूजा खत्म होने वाली है। देखिए ना वो कैसे घंटी बजा रहा है, आप लोगों ने खुद देख लिया। और गाइस आज हमें रात से ही मिठाई विठाई बनाना शुरू कर देना है, जितने नमकीन मिठाई जो भी बनाते हैं, क्योंकि कल है हमारा सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार नुआखाई जिसको हम नवान्न बोलते हैं। तो आज रात को ही हम मिठाई विठाई बनाना शुरू करेंगे। तो हमने बहुत कुछ बनाया गाइस लेकिन मैं सिर्फ आपको दो ही चीज बनाऊंगी दिखाऊंगी, नमकीन और लुच्ची जो कि दोनों ही नमकीन रहते हैं। तो मिठाई बनाते बनाते बहुत लेट हो जाएगा गाइस, उस टाइम कोई भी वीडियो नहीं बना पाएगा, इतना हालत नहीं रहता हमारा। तो इसलिए मैंने शोभित को कहा है सिर्फ आप दो ही डिशेस को दिखा देना, तो वो उन्होंने हाँ कहा है। और जब मैं रात में बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर उसका रेसिपी दिखाऊंगी। आज रात में ही हमारा काम शुरू हो जाएगा, 3 बजे तक हम खाना वाना मिठाई विठाई बनाएंगे गाइस। और यहीं पर अवनीश का पूजा भी खत्म हो गया है, तो आप मुझे देखिए उसका पूजा खत्म हो गया है, आप चलिए आप देख। तो गाइस गन्नू की ठीक पूजा खत्म होने के बाद रात में 8 बजे से मैं और माँ लग गए हैं मिठाई बनाने पर। और ये देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ नमकीन, तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, मैदा को अच्छे से मैं यहाँ पे चाल ले रही हूँ। चालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे काला जीरा, नमक और तेल ताकि मैं उसको अच्छे से मत के खस्ता कर सकूँ। देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालूंगी गाइस। और गाइस एक ही आटे से ही मैं दो तरीके का डिशेस बनाऊंगी, एक बनाऊंगी मैं नमकीन और दूसरा बनाऊंगी मैं लुच्ची जो कि पूरी की तरह होते हैं। और यहाँ पे मैं ऑयल डाल डालकर अच्छे से पहले आटे को गूंथ लूंगी, उसे मैं खस्ता कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं खड़ कर रही हूँ खस्ता। गाइस ये सब बनाने के बाद ही हम लग जाएंगे सारे पीठापना और मिठाई विठाई बनाने में, तो वो सब मैं दिखा नहीं पाऊंगी गाइस क्योंकि दो हाथ से हम दोनों माँ को और बेटी को हम दोनों को इमीडिएट सब काम करना है। जैसे ही मैंने आटा गूंथ लिया मैं यहाँ पे बना रही हूँ बड़े बड़े पेड़े मैदे के, क्योंकि पेड़े बनाने के बाद मैं उसे मोटा करके अच्छे से बेल लूंगी। तो चारों तरफ से हमें अच्छे से बेलना है। तो देखिए मैं पहले पेड़े में लगा रही हूँ सूखे हुए आटे और अब मैं इसे उलट पुलट कर करके सब तरह से समान कर करके अच्छे से बेलूंगी। तो पहले वाला गाइस मैं बेल के माँ को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, माँ वहाँ पे उसको छान रही है। और इसको देखिए मैं उलट पुलट करके कितने बार उलटूंगी पुलटूंगी, क्योंकि जो हम रोटी बनाएंगे उस रोटी को वो हर तरफ से मोटी होनी चाहिए, ना पतली होनी चाहिए, एकदम एक समान होनी चाहिए और हर तरफ से सेपेंट साइज में रहनी चाहिए। तो बार बार मैं उलटूंगी पुलटूंगी और अच्छे से इसको बेल लूंगी। और बेलने के बाद ही मैं इसको देखे फिर से मैं इसको बेल ही रही हूँ। बेलने के बाद इसमें हम अच्छे से कट लगाएंगे, तो मैं चक्कू से इसे सीधे सीधे कट दूंगी और उसके बाद इसमें निमकी बनाऊंगी। तो गाइज मेरी एक फ्रेंड थी जिसको कट हमेशा टेढ़ा में रहता था, तो वो क्या करती थी स्केल लगा करके कट करती थी, तो वो मुझे इमीडिएट याद आ गया। पर हम लोग ना कर करके इतना हैबिट हो गया है कि अब फर्क नहीं पड़ता, एकदम बिना स्केल के भी लाइन एकदम सीधी होती है। और ये देखिए मैंने यहाँ नमकीन को कर लिया है कट, और पहले भी मैं एक पेड़े की नमकीन बना के प्लेट में रख चुकी हूँ गाइस, और एक पेड़ा माँ ऑलरेडी छान रही है।
और यहाँ देखिए मैंने सारे को कट कर लिया है और मैं डाल रही हूँ इसे प्लेट में। अब मैं इसे माँ को दूंगी। गाइज इसी का जो आटा हमने गूंथा था बहुत सारा, उसी से मैं लूची भी बना लूंगी। और यहाँ पे हो गया है तेल गरम, माँ डाल रही है सारे नमकीन को तेल में। और देखिए तो ऑयल बहुत गर्म है गाइज, क्योंकि पहले जो हमारा ऑयल गर्म था वो हम लोग लो मीडियम में किए थे, और पहले माँ एक कोट पहले से ही छान चुकी है, और छानने के बाद ही अभी ये सेकेंड कोट या थर्ड कोट दे रही है। इसके बाद में ही इमीडिएट में लुची बेलूंगी और लुची माँ को दूंगी। और जैसे ही लुची हो जाएगा हम पीठा वीठा बनाने में लग जाएंगे। और जैसे ही हम पीठा वीठा बनाएंगे गाइस, सुबह सुबह उठ के हमें भगवान को भोग लगाना है, फिर हम सब नुआ खाएंगे। तो नुआ गाइस हम नए वाले चावल को कूट करके, माँ धान को कूट करके बनाती है, उसमें पेड़े केला घी और गुड़ ये सब डाल के बनता है। और सब मिल के सह परिवार के साथ हम एक साथ बैठ के हम नुआ खाते हैं, सबको फिर प्रणाम करते हैं। इस तरीके से हम अपना नुआखाई करते हैं। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी हम लोग अपना देवा देवी को भगवान को कैसे भोग लगाएंगे, सबका फोटोज भेजूंगी आपको मैं। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने उसी आटे से छोटे छोटे पेड़े बहुत सारे बना लिए हैं और उसको मैं बेल के बना रही हूँ लुच्ची। तो ये एक पापड़ टाइप नमकीन है जो कि बहुत खस्ता होता है, इमीडिएट ही टूट जाता है हाथ से। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके आप चाहें तो मेरे मतलब ये चैनल में देख सकते हैं। पहले के मैंने जो डिशेस के जितने भी मैंने खाना बनाया है रेसिपीज, उस सब में इसका रेसिपी दिया गया है। और यहाँ पे मैंने देखिए सारे को बेल लिया है अच्छे से लुच्ची को। अब इसे हम लोग तल लेंगे, तो माँ यहाँ पे इसे तल लेगी। और ये देखिए, तो गाइज ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, उसमें से धुआं निकल रहा था, तो माँ ने कर लिया है ऑयल को थोड़ा सा ठंडा, मतलब फ्लेम को है जो है थोड़ा सा लो कर दिया है माँ ने। और इसको हम अच्छे से एक रेडिश कोट आने तक इसे हम लो मीडियम फ्लेम में तलेंगे। तो माँ देखिए इसे अभी एक तरफ पलटेगी और ये बहुत ही अच्छा खस्ता बन जाता है, बहुत ही क्रंची होता है गाइज। इसे आप चाय के साथ मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी स्नैक्स के हिसाब से आप खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी लुच्ची जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है गाइज। इसे माँ अब निकाल लेगी और अभी जैसे ही इसको हम रख लेंगे उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे पीठा। तो बस मैं इतना ही दिखा पाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी हम माँ को और मुझे इमीडिएट जल्दी जल्दी में सारे पीठा बनाना है। तो मिलते हैं कल सुबह की। तो रात में सारे भोग बनाने के बाद हम सुबह सुबह उठ करके नहा धोकर नए कपड़े पहन करके भगवान जी की पूजा करने चले गए। और पापा कितने अच्छे से यहाँ पे हमारे भगवान को सजाए हैं और हम सब ने उनको भोग लगाया, सब मिलकर खाए और हम सब ने इस तरीके से नुआखाई मनाया। तो गाइस देखिए सुबह होते ही हम लोग सब ने जो रात में प्रसाद बना के रखा था उस सारे प्रसाद को हम भगवान को चढ़ाए हैं भोग। और भोग चढ़ाते ही हमने मिलकर एक साथ खाया नुआ। तो और नुआ खाने के बाद में हम सब अपने बड़ों को पांव छूकर प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम सब नुआखाई का बधाई देते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको। और उसके बाद हमने उठाए कुछ पिक्स, क्योंकि गाइज एक साथ सबको बैठना था तो वीडियो करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम सब ने फोटो ही उठाया। और फोटो उठाने के बाद हम सब बाहर थोड़ा मंदिर गए। और मंदिर से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये पर्व नुआखाई जो कि ठीक गणपति विसर्जन के बाद होता है कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।